सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा ना मिस कर पाए। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि थंबनेल देखने के बाद में आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। तो यार आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप फेसबुक में जो फीचर्ड वाला ऑप्शन है, तो यार उस फीचर्ड वाले ऑप्शन में कुछ इस टाइप का फोटो कैसे ऐड करेंगे। तो यार चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो यार मैं आपको बता दूं ना, यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और यदि लास्ट तक नहीं देखते हैं यार तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर आप यही बोलेंगे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो यार खैर छोड़िए, चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भाई यार चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ग्रिड मेकर। तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चल के मैं आपको बताता हूं। तो भाई चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रिड मेकर एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रिड मेकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में अब यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसा कि यहां देख सकते हैं ग्रिड मेकर का। तो सबसे पहले हम ग्रिड मेकर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद में यहां पर आपका एल्बम्स ओपन हो जाएगा, यानी कि गैलरी ओपन हो जाएगा, उसमें से आप अपना फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। फोटो सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर क्रॉप का ऑप्शन है, अपना सही तरीके से क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद में यहां 3:3 का ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। टिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जैसा कि ये एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो यार एडवर्टीजमेंट को अभी हम कट कर देते हैं। तो यहाँ जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ एडवर्टीजमेंट को कट कर देते हैं। कट करने के बाद में अब हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सेव कर देना पड़ेगा। तो यार यहाँ देखिए यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर इसके बाद में ये जो हमारा फोटो होगा वो सेव हो जाएगा। ग्रिड में करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें अपने फेसबुक को ओपन करना पड़ेगा। फेसबुक ओपन करने के बाद में यहाँ पर हम अपना प्रोफाइल वाला ऑप्शन ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट पब्लिक डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए एडिट पब्लिक डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को फीचर मिलेगा, यहाँ की फीचर्ड ऐड का एक ऑप्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में ही तुरंत यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन होने लगेगा। फिर उसके बाद में यहाँ ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। मोर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस साइड से फोटो लगाना है, जैसा कि ये देख सकते हैं हमें इस साइड से फोटो लगाना है। सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्टिंग करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर सेकंड वाले फोटो पर क्लिक करके फिर से मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके फिर ये सेकंड वाला फोटो लगाएंगे। तो हमें अपोजिट साइड से लगाना है यार, यानी कि इस साइड से लगाना है। तो चलिए हम फटाफट आपको लगा के दिखा देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमने अपने फीचर्ड वाले ऑप्शन में अपने फोटो को कुछ इस टाइप में ऐड कर दिया है। इसके बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में सेविंग का कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा। फिर उसके बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये एडिट प्रोफाइल के ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इससे बैक आ जाना पड़ेगा। बैक आने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यार उसके बाद में हमें यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ इस टाइप में हम रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में देखते हैं हमारा फोटो लग गया कि नहीं फीचर में। तो जैसा कि ये देख सकते हैं हमारा फोटो ऐसा लग गया फीचर्ड वाले ऑप्शन में। तो मैं आपको बता दूँ ऐसा ही अपना फोटो अपने फीचर्ड वाले ऑप्शन में लगा सकते हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ ऐसा फीचर्ड वाला फोटो बनाना सीख गए होंगे। बनाना सीख गए तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, और यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।